हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, संस्थाएं व उनके कार्यों के बारे में। प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में यह किस प्रकार से कार्य करती हैं और किन लोगों के लिए कार्य करती हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रम, संस्थाएँ व उनके कार्य। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे देश में, शहर में, नगर में, देहात में वो कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जाते हैं, और इन कार्यक्रमों और संस्थाओं के क्या कार्य हैं और क्या उद्देश्य हैं। प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि प्रसूति एवं बाल सेवाओं से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए, अथवा शिशु एवं माताओं के लिए जो विभिन्न केंद्रीय योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में किस प्रकार से सरकार की भूमिका है और किस प्रकार से महिलाएं और बच्चे इससे लाभ उठा रहे हैं। पहला है प्रसूति एवं बाल सेवा का अर्थ। नगरों एवं देहातों की जनता के सामान्य स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं रोगों के बचाव हेतु सरकारी व सार्वजनिक योजनाओं का संचालन करना नितांत आवश्यक है। स्त्रियों को पूर्व प्रसव, धात्री अवस्था में उचित सलाह की जरूरत होती है। प्रसूति एवं बाल सेवा से संबंधित योजनाओं का संचालन केंद्र सरकार व राज्य सरकार के सम्मिलित सहयोग से किया जाता है, जिसमें माताओं व बालकों की अकाल मृत्यु व कुपोषण से बचाव तथा उनके स्वास्थ्य में वृद्धि हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि किस प्रकार से सरकार ने बालकों की अकाल मृत्यु को रोका और उनको कुपोषण से बचाया। जैसे कि सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, इन योजनाओं में जो गर्भवती स्त्री होती हैं, यानी कि जो माताएं होती हैं जो नगर में रहती हैं, देहात में रहती हैं, उनके स्वास्थ्य को सुरक्षा की दृष्टि से तथा उन्हें किसी प्रकार का रोग न हो, इसके लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का चलाने का उद्देश्य सरकार का सिर्फ और सिर्फ इतना था कि जो गर्भवती स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो, प्रसूति गृहों की स्थापना हो तथा उनके ज्ञान में वृद्धि हो, वो फिल्म के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, पोस्टरों के माध्यम से क्या किया, सरकार ने शिक्षित किया तथा वे खुद स्वयं आत्मनिर्भर होकर के अपने कर्तव्यों का पालन कर सके और उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो इसीलिए ने सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संचालित किया और चलाया। तो चलिए आगे देखते हैं कि शिशुओं एवं माताओं के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए। शिशु एवं माताओं की प्रमुख योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जो इस प्रकार से है। पहला है विशेष पोषण कार्यक्रम। विशेष पोषण कार्यक्रम निम्न आर्थिक स्तर के बालकों की पोषणहीनता से संबंधित समस्याओं के निवारण हेतु केंद्र सरकार ने सन 1970 से 71 में विशेष पोषण कार्यक्रम का प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य जनजाति क्षेत्रों तथा 1,00,000 की आबादी से ज़्यादा जनसंख्या वाले नगरों एवं गंदी मलिन बस्तियों में रहने वाले 3 वर्ष की आय के बच्चों की पोषण संबंधी कमी को दूर करने के लिए किया गया। सरकार द्वारा चलाया गया जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय योजना थी, उसमें जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं सही थी, ऐसे कि उनके पास न पैसे थे, न रहने के लिए मकान थे, बल्कि वे गंदी और मलिन बस्तियों में रहते थे, ठीक है, वो गंदी और मलिन बस्तियों में रहते थे और उन्हें किसी प्रकार की
कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी कि उन्हें डॉक्टरी परीक्षण कैसे करवाना है और उन्हें किस प्रकार से दवाइयों का सेवन करना है, कौन कौन से भोजन लेने हैं, उन्हें अपने भोजन में क्या सम्मिलित करना है, ये सारी जानकारी उनको नहीं थी। तो केंद्र सरकार ने सन 1970 और 71 में एक कार्यक्रम चलाया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो था वो जनजाति क्षेत्रों के लिए था। जनजाति क्षेत्र जो थे उनकी जो 1 लाख की आबादी थी, वहाँ की जो गंदी मलिन बस्ती में व्यक्ति रहते थे और वहाँ के जो बच्चे 3 वर्ष की कम आयु के छोटे से बच्चे हैं और उनमें पोषण संबंधी कमी है, ऐसे कि 3 साल का बच्चा है और कुपोषण से क्या है, ग्रसित है, उसे कुपोषण हो गया है, ना उसकी वृद्धि हो रही है बल्कि उसे तरह तरह के रोग लगे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए 1970 और 71 में ये विशेष पोषण कार्यक्रम चलाया गया और 1 लाख लोग इस कार्यक्रम में भाग लिए और कार्यक्रम का लाभ भी उनको मिला। सरकार ने तरह तरह की दवाइयों का प्रबंध किया, नर्सों का प्रबंध किया और जो कुपोषण से ग्रसित बच्चे थे उनको क्या किया, उनको पोषक युक्त भोज्य पदार्थों को, पेय पदार्थों को बंटवाया सरकार ने और उससे वो खाए पिए और उन कुपोषण से मुक्त हों और उनका एक सुंदर भारत का निर्माण हो सके। अगला है बालबाड़ी पोषण कार्यक्रम। बालबाड़ी पोषण कार्यक्रम के अलावा समाज कल्याण विभाग ने सन 1970-71 में अल्प कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत 6 वर्ष की उम्र के बालकों को पोषण आहार वितरित किया गया। जैसा कि आप लोगों ने अभी जाना कि विशेष पोषण कार्यक्रम भी सन 1970 और 71 में प्रारंभ किया गया, लेकिन यह क्या था, यह जनजाति क्षेत्रों के लिए था और इसके अंतर्गत 1 लाख आबादी थी और इसमें जो गंदी मलिन बस्ती वाले जो बच्चे थे वो सम्मिलित थे जिनकी उम्र क्या थी, 3 वर्ष थी। लेकिन बालबाड़ी पोषण कार्यक्रम भी सन 1970-71 में चलाया गया, लेकिन इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था, इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी वही था जो विशेष पोषण कार्यक्रम था। विशेष पोषण कार्यक्रम का यही उद्देश्य था कि जो कुपोषण युक्त बच्चे हैं, जिनको कुपोषण लग गया है, उन्हें सरकार द्वारा जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि बालकों को तरह तरह के जो भोजन बटाए जा रहे हैं या उन्हें कुपोषण की बीमारी लग गई है तो उन्हें कुपोषण से मुक्त करने के लिए दवाइयों का, टानिकों का आदि को क्या किया, सरकार ने वितरित किया। तो वो 3 वर्ष के बालकों के लिए था, ये 6 वर्ष के बालकों के लिए। 6 वर्ष के बालक जो हैं उनके पोषण, उनको भी पोषण आहार वितरित किया गया, जैसे कि फलों को, सब्जियों को, दूधों को आदि को क्या किया गया, वितरित किया गया और घर घर जा कर के जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यक्ति उस कार्यक्रम में लगाए गए थे उनको क्या किया गया, भेजा गया और वो घर घर जा कर के उनको टॉनिक और उनका डॉक्टरी परीक्षण किए और उन्हें कुपोषण से मुक्त किए। अगला है केयर सहायता। पूरक पोषण आहार प्रदान करने के लिए केंद्र शासित क्षेत्रों को केयर द्वारा वर्ष 1981-82 में 149 लाख बच्चों को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया। इस योजना में विद्यालय तथा पूर्व विद्यालयी बच्चों को भी शामिल किया गया। केयर सहायता में सरकार ने पूरक आहार से मतलब यह है कि जैसे कि एक छोटा सा बालक होता है तो जब वह माँ का दूध पीता है तो उसके लिए वही पूरक आहार होता है, लेकिन जब वो माँ का दूध छोड़ देता है तो उस वक्त उसे दूध, फल, सब्जियाँ आदि प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। तो जो केंद्र शासित क्षेत्र थे वहाँ केयर एक प्रकार की संस्था है और यह संस्था सन 1981-82 में 149 लाख बच्चों को एक योजना लाई और इस योजना के अंतर्गत बच्चों को क्या किया गया, जो विद्यालय जाने वाले थे और जो विद्यालय नहीं जाने वाले थे दोनों बच्चों को सम्मिलित किया और
उनकी जो कुपोषण से संबंधित या किसी प्रकार की बीमारी लग गई है, ऐसे कि साफ़ सफाई का ध्यान नहीं दे रहे हैं, भोजन को ढक करके नहीं रख रहे हैं, जैसे हैजा, कालरा आदि प्रकार की बीमारियां बच्चों में जो हो रही हैं, उससे क्या किया जाए, मुक्त किया जाए। उन्हें हाथ कैसे धुलना है, हाथ धो के खाना खाना है, तरह तरह के क्या उन्हें कार्यक्रम चलाए गए और उन कार्यक्रमों के अंतर्गत उन्हें प्रशिक्षण दिया गया और सिखाया गया कि किस प्रकार से आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। अगला है बाल अंधता निरोधक कार्यक्रम। बच्चों के आहार में विटामिन ए की कमी के स्वरूप अंधता के रोकथाम हेतु स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा विटामिन ए प्रत्येक बच्चों को प्रदान किया गया। बाल अंधता निरोधक कार्यक्रम के अंतर्गत 84 लाख बच्चों ने इस योजना का लाभ उठाया। ये भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चलाया गया। जैसे कि जो छोटे बच्चे थे जिनमें विटामिन ए की कमी थी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विटामिन ए जो होता है वो हमारी आँखों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ विटामिन ए ही है जो रेटिना पर प्रभाव डालती है, क्योंकि इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है और रेटिनॉल ही हमारे रेटिना, जब इसकी कमी हो जाती है तो हमारे रेटिना पर प्रभाव डालते हैं। तो जो बच्चे थे जिनमें अंधता यानी कि ऐसे कि जिन बच्चों में विटामिन ए की कमी हो जाती है, उन बच्चों की आँखों से दिखाई नहीं देता है, यानी कि जैसे जैसे शाम होती है तो उनको एकदम आँखों के सामने अंधेरा सा दिखाई देने लगता है। तो जिन बालकों में विटामिन ए की कमी थी, उन कमी को दूर करने के लिए सरकार ने बच्चों के लिए एक प्रकार का कार्यक्रम चलाया, जिसमें बच्चों को विटामिन ए से संबंधित भोजन को, ऐसे कि गाजर, मछली, दूध, मांस, फल, सब्जियां आदि को क्या किया, वितरित किया और विटामिन ए युक्त गोलियों को भी दिया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 84 लाख बच्चों ने लाभ उठाया और इस कार्यक्रम में भाग लिए। अगला है पोषण रक्तहीनता निरोधक कार्यक्रम। यह कार्यक्रम जो है पोषण रक्तहीनता कार्यक्रम, बालकों तथा महिलाओं में पोषण यानी कि खून की कमी के रोकथाम के लिए लौह लवण, फोलिक अम्ल की औषधियां, फोलिक अम्ल की गोलियां, पोलियो स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा वितरित किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 2 से 4 करोड़ बच्चों तथा माताएं लाभ ले रही हैं। यह जो सरकार की योजना है, इस योजना में महिलाएं भी शामिल थीं, जबकि उन योजनाओं में सिर्फ बच्चे थे, जैसे कि बाल बाड़ी पोषण कार्यक्रम में, केयर सहायता में और बाल अंधता निरोधक कार्यक्रम में सिर्फ बच्चों की ओर सरकार ने ध्यान दिया, लेकिन पोषण रक्तहीनता निरोधक कार्यक्रम में बच्चे और महिलाएं दोनों सम्मिलित थीं। बच्चों के आहार में लौह तत्व यानी कि आयरन की कमी न होने पाए, इसके लिए सरकार ने फोलिक अम्ल की औषधियाँ स्वास्थ्य केंद्रों की जो दाइयाँ होती हैं ना, उनके माध्यम से घर घर बंटवाया और घर घर इस कार्यक्रम का महिलाएं तथा बच्चे भाग लिए। इस कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ष, सिर्फ इसी वर्ष की बात नहीं है, प्रत्येक वर्ष 2 से 4 करोड़ के बच्चे तथा महिलाएं इस कार्यक्रम का लाभ ले रही हैं।